हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड, भारत की नदियों का ये पार्ट टू है जिसमें हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये फ्रेंड स्टार्ट करते हैं भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ। फ्रेंड, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं और ये अपनी रोण अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। रोण अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं मतलब इसका यह है कि इनकी जो आधार तल हैं वो आधार तल को अपने को प्राप्त कर चुकी हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में विसर्प का अभाव होता है, ज़्यादा विसर्प नहीं मतलब विसर्प नहीं होते इसमें। विसर्प क्या होता है, जब कोई नदी चलती है तो नदी कुछ यूं चलती है, तो ये जो लहर होती है इसको विसर्प बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों में विसर्प नहीं होता, जबकि ये रिफ्ट वैली में बहती हैं और ये वर्षा जल से पे निर्भर है। इनमें जो जल है वो वर्षा जल से ही प्राप्त होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में अधिकतर ये जो है सूख जाती हैं। यहाँ की प्रमुख नदियों को हम जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी प्रमुख नदियों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है और दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे पहले, फिर हम बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। सबसे पहले अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी की, तो आती है हमारी महानदी। और ये महानदी जो है इसकी लंबाई 858 किलोमीटर लंबी है और ये रायपुर जिले में सिंघावा से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और कटक के पास अपना क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। फ्रेंड्स याद रखेगा, जो महानदी है वो रायपुर जिले से निकलती है छत्तीसगढ़ के और कटक के पास क्या करती है, अपना डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। शिवनाथ, हसदो, माड़ और डूब उत्तर की ओर से इसमें आकर मिलने वाली नदियां हैं और इसकी दक्षिण की ओर से मिलने वाली इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है जोंक व तेल। फ्रेंड्स इसके बाद अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की, तो इसके बाद जो नदी आती है वो आती है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो गोदावरी है। कई बार वनडे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो है 44% भाग महाराष्ट्र में आता है, 33% भाग आंध्र प्रदेश में आता है और 20% भाग जो है गोदावरी का वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। पश्चिमी घाट की नासिक पहाड़ियों में त्रिम्बकम जो है जगह से ये जो है निकलती है और उत्तर में इसकी जो सहायक नदी है उत्तर से आकर जो इसके उत्तर तट पर जो मिलती है वो है प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, बर्दा, पेनगंगा और इंद्रावती। और दक्षिण की जो इसकी प्रमुख नदी है वो है मंजीरा। मंजीरा जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो दक्षिण से आकर इसमें मिलती है। इसकी आयु और आकार और लंबाई के कारण जो है गोदावरी को बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये वही फैक्ट हैं जिन पे या तो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं या बनने के चांसेस हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कृष्णा नदी के बारे में। और कृष्णा नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है जिसकी लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर है और ये इसका उद्गम स्थल जो है वो क्या है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से ये निकलती है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं तो वो दो हैं, एक तो तुंगभद्रा और एक भीमा। इसके बाद जो है कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी जो है इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, लेकिन प्रमुख सहायक नदी जो है वो तुंगभद्रा और भीमा है। तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी है और ये इसे जो है हंगरी नदी को हम वेदवती नदी से भी नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारी नदी आती है वो आती है कावेरी नदी, जो कि हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये जो है ये कर्नाटक के दुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। फ्रेंड्स कावेरी नदी जो है ये कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां उत्तर में हेरंगी, हेमावती, लोकपावनी, सिमसा व अक्रावती है जो इसके बाएं तट पे आकर मिलती है। दक्षिण में इसकी जो सहायक नदी है वो है लक्ष्मण, तीर्थ, कव्यनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती, इसकी जो दाहिने तट पे आके मिलती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी जो नदी आती है वो
नर्मदा नदी आती है जो कि अरब सागर में गिरती है, लेकिन उससे पहले मैं अगर आप बात करूं कावेरी की, तो कावेरी में एक सबसे प्रसिद्ध जो है जलप्रपात है जो है हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि जब पूछा जाता है कि कृष्णा नदी जो है, ओ सॉरी गोदावरी नदी जो है उसको बोलते हैं हम दक्षिणी गंगा, लेकिन अगर वहीं पर अगर हम बात करें कि हमारी जो कावेरी नदी है तो उसको हम क्या बोलते हैं दक्षिण की गंगा। तो आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि दक्षिणी गंगा और दक्षिण भारत की गंगा अलग अलग है। दक्षिणी गंगा अगर पूछा जाए तो गोदावरी है, और अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा तो वो हमारी कावेरी नदी है। और इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम बात करें अरब सागर में गिरने वाली नदियों की, उसमें हमारी सबसे पहली नदी जो आती है वो आती है नर्मदा नदी, जिसका उद्गम स्थल मेकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। और इसका क्षेत्र अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्र है इसका 87%, देन अगर हम बात करें तो गुजरात में है 11.5%, और महाराष्ट्र में इसका जो क्षेत्र पड़ता है 1.5%। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है ये, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में जो है सतपुड़ा पर्वत मौजूद है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी की अगर हम बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है वो ओरिसन है, और अन्य सहायक नदियों में तवा, बानेर, दूधी, शक्कर, हिरण, बरना, कोनार, मचाक आदि नदी जो है इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। ये भड़ोच के पास ज्वारनद द्वारा खंबात की खाड़ी में गिरती है। फ्रेंड्स ये जो नदी है ज्वारनद बनाती है, ज्वारनद यानी आप जानते हैं कि ये डेल्टा नहीं बनाती, डायरेक्ट जो है फिर समुद्र में गिर जाती है। तो ज्वारनद जो है वो डायरेक्ट समुद्र में गिरना, नदी का डायरेक्ट समुद्र में गिरना जो है वो ज्वारनद होता है, ना कि डेल्टा बना के। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारी नदी आती है वो आती है ताप्ती नदी, जो हमारे बैतूल जिले के मुलतई से निकलती है, और इसकी लंबाई जो है वो 724 किलोमीटर है। इसके बेसिन क्षेत्र का अगर हम भाग देखें 79% भाग महाराष्ट्र में है, ओनली 15% भाग जो है वो मध्य प्रदेश में है, और 6% जो है वो गुजरात में पड़ता है। इसकी अगर हम प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो पूर्णा जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है, और इसी के मुहाने पे सूरत शहर जो है वो स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सूरत किस नदी के जो है तट पे बसा हुआ है, तो फ्रेंड्स वो बसा हुआ है आपके ताप्ती नदी के तट पे। और ये ताप्ती नदी जो है वो नर्मदा नदी के समांतर बहती है, और उकाई परियोजना जो है उसके द्वारा जो है इसका जल उपयोग किया जाता है। देन अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो नेक्स्ट आती है साबरमती नदी, और इसका उद्गम स्थल जो है वो मेवाड़ की पहाड़ियां हैं, जिसकी इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, तो 320 किलोमीटर जो है वो साबरमती की लंबाई है। और इस नदी के किनारे अगर हम देखें तो कौन सा शहर बसा हुआ है, अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है वो साबरमती के किनारे बसा हुआ है, और ये तीसरी बड़ी नदी है जो पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो माही, इस पे क्वेश्चन कई बार बने हैं किस जिले से निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो धार जिले से निकलती है। धार जिले में मेहद जो झील है वहां से निकलती है, और इसकी लंबाई जो है तो वो कितनी है 553 किलोमीटर। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों पे भी क्वेश्चन बना है कि जाखम किसकी सहायक नदी है, जाखम और सोम जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। देन अगर हम बात करें तो लास्ट जो नदी है वो है लूनी, और लूनी नदी जो है ये अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई जो है वो 320 किलोमीटर है, और ये नदी जो है ये ना तो अरब सागर में गिरती है ना तो बंगाली खाड़ी में, बल्कि ये कच्छ के रण में क्या हो जाती है विलुप्त हो जाती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है सरस्वती, जवाई और सुकड़ी और लीलड़ी और मिथड़ी। तो ये जो नदियां हैं ये लूनी की सहायक नदियां हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।